निकलेगा, रिलैक्स। ऐश्वर्या राय आप ही के विभाग में बता रहा हूँ, मिस वर्ल्ड बनी तो उनसे पूछा गया कि कैसे महिलाएं सुंदर रहती हैं, तो उन्होंने बोला जस्ट स्माइल योर फेस, आप खुश हो जाइए, आप अपने आप दुनिया के सुंदरतम व्यक्ति लगेंगे, आप सिर्फ प्रसन्न हो जाइए और आपकी उम्र नहीं दिखेगी। भौतिक फायदे, आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा, तो आपको अपने आप ही एंगर नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, तो बीमारी भी नहीं आएगी, और बीमारी नहीं आएगी मतलब माताओं बहनों के शांत रहने से बच्चे उनको क्रोधित नहीं होंगे, जब उनको प्रसन्नता कॉपी करेंगे तो वो लोग और अधिक आने वाले समय में दूसरों को प्रसन्नता डाउनलोड करेंगे। कैसे करेंगे? जिब्रिस ऊट पटांग वर्ड, अपने ग्रोथ को फिर एक बार डेमो देखिएगा, कोई कर सकता साथ में करके देखना, पूरा गुस्सा बाहर नहीं, मेरे को पता है अपनी आते ही सिर्फ एक डेमो है, क्रोध तो हमको आए, हम जब क्रोध को बाहर निकालेंगे तो वो अंदर नहीं रहेगा, और 10 मिनट अगर हमने 10 मिनट तक फ्रस्ट्रेशन किया, नो माइंड मेडिटेशन किया, जिब्रिस किया, तो 10 मिनट के बाद हम साइलेंट होकर के लेट जाएंगे और बैठ जाएंगे, बैठ करके अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, कैसे सांस आ रही है कैसे जा रही है, ये हो गया एक ध्यान गुस्से में। अब आपको एक क्वेश्चन होता है, ये गोलियों की बीमारी कोरोना के बाद से बड़ी है, जिसका बगल में फ्रिज है, बगल में कवर्ड है, फ्रिज खोल लेंगे, कवर्ड की जाए क्या लेना, क्यों ध्यान आएगा, फिर किचन में जाएंगे ध्यान करेंगे, भूलते सब हैं, भूलते सब हैं, लोगों का अपने पे फोकस नहीं है, काम क्या दिखता, आप अपने मोबाइल को देखिए, जब आप अपनी पूरे नारी शक्ति के वीडियो पूरे भर लो मोबाइल तो वो काम करेगा नहीं, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो मोबाइल हैंग होने लगता है, इसी तरह हमारा मस्तिष्क जानकारी ज्यादा होगी तो वो भूलता है। मेडिटेशन उसको सुगम, जिस विधि के माध्यम से, जैसे आप बैठे आग बंद करके उसी पे रखिए, उसी पे कर लीजिए, अब आपको ऐसे बैठना है नॉर्मल रूप से, आके भौरे की तरह हम गुंजार कर रहे हैं, ऐसे आग बंद करके, ऐसे सबके सामने कर सकते हैं, अच्छा भगवान शिव का ध्यान है ये, आंखें बंद करेंगे जैसे भोरा गुंजार, ठीक है, ऐसे बस एक दो गहरी सांस है, इसको 20 मिनट तक ये प्रोसेस करना है, इधर 20 मिनट तक लंबा हो जाएगा, 20 मिनट तक आपको ये प्रोसेस करना है, और 20 मिनट तक साइलेंट होकर के बैठ जाना है, लेट जाना, आपके नर्वस सिस्टम पे हर अलग असर पड़ेगा, लाइफ में बहुत असर पड़ेगा, और ये तुरंत असर नहीं होगा, एक आध 90 दिन आपको कैलेंडर में लगना पड़ेगा, 90 दिन आपको रोज ध्यान करना है, 90 दिन के बाद ध्यान होने लगता है, ध्यान थोड़ा वक्त लेता है, पर आपका कोई फ्रेंड आपको पूरी किसी से दोस्ती करेगा हर्ट करेगा, किसी इमोशन बताइएगा हर्ट करेगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे हर्ट करेंगे, दुनिया का कोई भी आदमी सब छोड़ के चले जाएगा, शरीर भी छोड़ के चले जाएगा, कोई आपका नहीं है, फिक्स है, अटैचमेंट असंभव है, हर्ट होंगे, धोखा मिलेगा, सिर्फ आपका मन और आपका ध्यान धोखा नहीं देगा, सिर्फ एक ही चीज है जिसके लिए हमारे पास शरीर है, प्रैक्टिस ऑन मेडिटेशन, बाकी आपको सब जगह से फायदा नहीं मिलने वाला, दुनिया सब तरह से आपको छोड़ने वाली है, सिर्फ आपको ध्यान आपको जीवन में संवारेगा, रोज एक घंटा अपने को देना है, म्यूजिक सुन सकते हैं, म्यूजिक में भी भजन की उतनी जरूरत नहीं है, आपको कोई एक गाना आता है जो भी आपको पसंदीदा सॉन्ग है, आंख बंद करके आप उसको सुनो, आंखें बंद कर लीजिए उस सॉन्ग को सुनिए, जो भी सॉन्ग आपको पसंद है,
उन सॉन्ग को सुनो। किसी को डांस करने के लिए जगह है घर में अगर, तो मच बेटर। आप डांसिंग मेडिटेशन करिए तो वेट रिड्यूसिंग की टेक्निक होगी। क्या है, हमारे कल्बों पे यहाँ पे हम डांसिंग टेक्निक लगा के ऐसे जाओ एक कमरे में बिल्कुल फ्री होकर के आंख बंद करके डांस करिए। उस डांस से पूरा जीवन बदल जाए, लाइफ बदल जाए। आंख बंद करके मेडिटेशन आधे घंटा किया और आधे घंटे लेट गए, आपकी लाइफ बिल्कुल दूसरी हो। गुस्से को ये काबू में करने की विधियां हैं। और पूछिए किसी दिमाग में। हाँ जैसा कि आपने बताया सर कि गुस्से को आप ऐसे ऐसे निकालो, तो मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं सिंगिंग करना पसंद करती हूँ। मतलब टेंशन होती है जब दिमाग में, तो मैं सिंगिंग करती हूँ। और सेकंड आपने पॉइंट बताया डांस वाला, मैं वो डांस भी वेरी गुड एकदम फ्री माइंड हो जाती हूँ। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, आप पेंटिंग कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आपके पास डायरी लिखने का कोई मन है तो आप रोज सुबह उसे कोई पढ़ नहीं पाए फाड़ दीजिए। जैसे अब आपने पेन कॉपी उठाई, अब आप मन में बहुत गुस्सा भरा है, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा दुश्मन मेरा पति है और उसको फाड़ दीजिए। अब आप देख, हाँ लेकिन जो भी उसमें लिखो ऐसा नहीं आपकी सांस देख ले, हमें गारंटी नहीं है। आपको उस पर लिख लेना है, लिखने के बाद कोई भी हम तो मजाक करेंगे जिसपे, तो जो विषय हमारी जिम्मेदारी में आता आप तो वही कह सकते ना। अब क्या है बाकी और रिश्तेदारों के पर नहीं कह सकते, लेकिन नहीं नहीं ये बोल बोलो नहीं नहीं, लेकिन नींद आती नहीं है तो और दिक्कत है। पापा को भी नींद नहीं आती, हाँ हाँ उनको भी नींद नहीं आती कभी कभी नहीं, लेकिन उसमें आप ऐसा कर सकते। एक ध्यान है, मैं कौन हूँ, अपने आप से एक प्रश्न पूछिए मैं कौन हूँ। पूछते पूछते जप की तरह से राम का हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, वो तो करते रहते ओम नमः शिवाय राम नाम जैसे की तरह इस शब्द को मैं बोल ध्यान का उससे नहीं था। ध्यान के मैं वो सबसे बड़ी सा ये नर्वस सिस्टम से होता है। नर्वस सिस्टम का मतलब आप कहीं ना कहीं तनाव बहुत ले रही है, तनाव कभी कभी बहुत हंसने वाले लोग भी बहुत तनाव में दिखता नहीं। अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है, बहुत सबसे ज्यादा दिक्कत नहीं करिए, किसी को सीरियस मत लीजिए, किसी की बात ज्यादा सुनेंगे। देखिए चंद्रमा हमारे ऊपर हावी होता है, हमारे अंदर 90% जल है, बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इसे अटैच बनाएंगे तब दुख होकर मिलेगा, कोई किसी का नहीं है। इस संसार में शरीर भी अपना है, बहुत ज्यादा किसी से अटैच होने से दुख मिलता है, इमोशनल होने से दुख मिलता है। ध्यान करिए इमोशंस कम हो जाए, ऐसा होगा। सेंसिटिव तो आप होंगे, परवाह करेंगे, चिंता रहेगी, लोगों की पीड़ा समझेंगे, लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, दुख को सहने की क्षमता आ जाएगी, आपकी पात्रता बढ़े। ध्यान मेरे साथ जी क्या नाम आपका नाम तो साइनीता गोयल। जैसे मैं ज्यादा परेशान होती हूँ या दिमाग में ज्यादा उलझन रहती है तो मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है, भूख भी बहुत ज्यादा है। आपको बार बार नमन, आपने कमाल नींद आना चाहे जितनी आ रही है वंडरफुल, नींद आपको ऊर्जा दे के जा रही है। नींद आना अरे बड़े मन से काम से कहा हो रहा है, सब खत्म हो जाना है, ये अच्छी चीज है। नींद अगर बहुत आ रही है तो आपके लिए सौभाग्य, ये तो अच्छा। नींद एक स्नान है, नींद एक स्नान है, नींद का फेवरेट। आप नींद आ रही है तो आप कोई भी काम छोड़ सकते, वो आपका मैनेजमेंट अगर इफेक्ट होगा।
नींद नेचुरल नींद आना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा रोना अच्छा है। देखिए जब आप रो लेते हैं तो रिलीज हो जाता है दुख। रोना वंडरफुल। अगर अकेले में आप जैसे ऐसे बैठे, अब आप एक्टिंग करिए रोने, ऐसे नहीं कि रो रो के दिखाएं सबको, अकेले की बता रहे हैं ये, अकेले में बैठे आप तो रोएंगे ना, तो अंदर से फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, सुख इकट्ठा नहीं होगा, रोने से बाहर निकलेगा। जबरदस्ती लीजिए वो तो आ जाती है और फिर नींद नहीं आती है, तो फिर सत्रह तरह की बात है। तो यही तो होता है मेरे साथ। गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का प्रयोग करने से गायत्री मंत्र करिए फायदा मिलेगा, उगते सूर्य को देखने से फायदा मिलेगा, इससे नींद अच्छी आएगी। सर मेरा बस एक था, जैसे मैं कुछ मेडिटेशन करती हूँ, माता का नाम हर समय लेती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ आंखें बंद करने की, तो ज्यादा देर तक नहीं हो पाता मुझे, फिर वो सब चीजें याद आती है, भूल नहीं पाती। देखिए ये होता है, ये सबके साथ होता है, थोड़ा सा रोज ध्यान करेंगे तो ये चीजें नहीं होगा। आप 90 दिन करेंगे पूरी लाइफ बदल जाएगी। रोज ये विधियाँ करिए, मैं बताऊँ उससे आपकी पूरी जिंदगी बदलाव है। जल्दी काम करके मोबाइल पकड़ लेंगे, मोबाइल चाहिए, मोबाइल नहीं है, जल्दी कर लेंगे, उस पर काम करना। दीदी आप कर रहे हैं कि नहीं ध्यान? हाँ, कैसा लगा आपको ये? बढ़िया। अच्छा करिएगा, हम आपसे बहुत बार मिल चुके हैं, मालूम है अच्छे से। अरे आप फेसबुक पे भी जुड़ी हैं, अभी से नहीं 10-15 साल पहले, अभिषेक की मौसी हमें मालूम है,